राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण। भाई अपना जन्मदिन सबको अच्छा लगता है ना? क्योंकि उस दिन मिलती हैं ढेर सारी बधाइयां और उपहार। आज हम आपको जन्मदिन के एक ऐसे अनोखे उपहार के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद आज तक सुना ही ना हो। दोस्तों, वो उपहार क्या है या वो उपहार क्या हो सकता है, आइए सुनते हैं। मैं एक बात बताऊं भैया। बोलो। मेरी दादी है ना, हर साल मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए एक पेड़ लगवाती है। अच्छा? अरे वाह, इतना बढ़िया तोहफा मिलता है तुम्हें। अरे वाह। अच्छा ये बताओ, अब तक कितने पेड़ लगा लिए तुमने? आम, संतरा, और हाँ अमरूद और पपीता और वैसे कितने साल की हो तुम? 10 साल की हूँ। तो पेड़ भी 10 ही हुए? नहीं नहीं नहीं, 9 हुए। 9? 10 थोड़ी हुए, 9 हुए। अरे नहीं भाई, 10 हुए। अरे नहीं भाई, 9 हुए। 10 हुए ना। अरे बच्चों 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 सुनो सुनो, बच्चों अभी तो 10 पेड़ हुए। बच्चों 9 पेड़ हुए। 9? हां 9 पेड़ हुए। देखो ना, नीम, केला, संतरा, शाबाश, अमरूद, और वो क्या था, आम, और अनार, अशोक, वो नींबू, और पपीता। शाबाश। अच्छा ये बताओ, इस साल कौन सा पेड़ लगाओगी अपने जन्मदिन पर? इस जन्मदिन पर इस जन्मदिन पर जामुन का पेड़ लगाऊंगी। भाई वाह, इस बच्चे की दादी तो सचमुच बड़ी ही निराली निकली। लगता है उसे पेड़ों से बहुत ही ज्यादा लगाव है। भाई वैसे पेड़ों से इतना अधिक लगाव होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ों से हमें बड़े लाभ हैं। हरे भरे ये पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, औषधियां देते हैं, साग और सब्जी देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पेड़ों से हमें ईंधन मिलता है। ये हवा को शुद्ध करते हैं और हमें देते हैं प्राणवायु यानी ऑक्सीजन। पेड़ों पर पक्षी अपना घर बनाते हैं। इसके अलावा पेड़ों से हमें और भी ढेरों लाभ मिलते हैं। और अब आओ दोस्तों, सुनते हैं पेड़ों यानी वृक्षों के महत्व पर एक गीत। बड़े काम की बात है ये, तुम भी सुन लो आज। हर दम रखना याद इसे, तुम दिन हो चाहे रात। बड़े काम की बात है ये, जंगल यदि कट जाएंगे वर्षा कहां से होगी फिर, वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा, सूख जाएगी धरती फिर, बढ़ जाएगा रेगिस्तान, बढ़ जाएगा रेगिस्तान। बड़े काम की बात है ये, तुम भी सुन लो आज। हरदम रखना याद इसे, तुम दिन हो चाहे रात। बड़े काम की बात है ये। जीवन होगा फिर खुशहाल, जीवन होगा फिर खुशहाल।
खुशहाल। बड़े काम की बात है ये, तुम भी सुन लो आज। हरदम रखना याद इसे, तुम दिन हो चाहे रात। बड़े काम की बात है ये। गीत के बाद आइए चलते हैं गढ़वाल की हरी भरी पहाड़ियों में। ये एक सच्ची कहानी है, गौरा देवी नाम की एक बहादुर स्त्री की सच्ची कहानी। ये बात है लगभग 200 वर्ष पुरानी। गढ़वाल के एक गांव में जब कुछ लोगों ने पेड़ों को काटना चाहा, तो गौरा देवी अपने गांव की सहेलियों और बच्चों को लेकर निकल पड़ी उन पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। कैसे किया ये काम गौरा देवी ने, आइए सुनते हैं। सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है, तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें। लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है। अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए, ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो। इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती, तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। चिब्बू भाग ले यहां से, सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की। वाह ये गौरा ने तो भी। दोस्तों, आपने गौरा देवी की ये सच्ची कहानी सुनी। इसी घटना से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जिसे आज सब लोग जानते हैं। हाँ दोस्तों, अंत में आपसे एक अनुरोध, आप सब पेड़ों के लाभ, पेड़ों के महत्व और चिपको आंदोलन के बारे में अपने माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन या अपने अध्यापक से और जानकारी हासिल करें और फिर उस जानकारी के आधार पर एक लेख लिखें और अपने अध्यापक को दिखाएं। रंगोली कार्यक्रम संचालन एवं निर्माण परामर्श प्रभुदयाल खट्टर, निर्माण कर्मी रमेश रानी शर्मा, वंदना अरिमर्दन और दाऊदयाल चतुर्वेदी, ध्वनिंकन सतीश लाड़े, दीपक पांडे एवं बटिलेंग लिंगदोह, निर्माण सहयोग अब्दुल खलिक एवं प्रस्तुति अजीत होरो।